बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उग्रवादियों के निशाने पर नजर आ रहे हैं। उपद्रवी लगातार इनको अपना निशाना बना रहे हैं। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया है। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसकी वीडियो सामने आई है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। वहीं बांग्लादेश से स्वदेश लौटे भारतीयों में वहां हो रही हिंसा का खौफ साफ दिखाई दिया है। बांग्लादेश से लौटे भारतीयों ने वहां का हालात जो है वो बयां किए हैं। इट्स ऑल अबाउट लोकल बंगालीज जिन पे अटैक हुआ है, बट इंडियंस के लिए इट इज क्वाइट सेफ फॉर द एक्सपैट्स। नाउ फ्लाइट सर्विसेज हैज आल्सो बीन रिज्यूम्ड, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया ट्रीटमेंट के लिए आया है। ट्रीटमेंट के लिए जी, अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो में तो वहाँ क्या सिचुएशन है, हिंदू की क्या कंडीशन है वहाँ पर? ना इजिया से अभी क्या सिचुएशन है बांग्लादेश में? ओके नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो राइट्स वगैरह हो गए थे वहाँ? हमने देखा काफी ज्यादा तोड़ फोड़ और वॉयलेशन हो गया। सम वायलेंस इन एरिया, सम एरिया। वहाँ पर मेरा सरकार तो देश पे नहीं है। अखन मेरे देश पे स्टूडेंट में कुछ बोला था, हमारा देश अखन या सेनाबाहिनी के पदस में। स्टूडेंट की क्या कंडीशन? स्टूडेंट अखन ठीक से, स्टूडेंट अखन पैनिक है। पैनिक है द ग्राउंड रियलिटीज। आर्मी हैज टेकन ओवर द सिचुएशन एंड currently situation is good। सीएम भजलाल का आज दूदू और सपोटर क्षेत्र का दौरा। सीएम 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दूदू के लिए रवाना होंगे और दूदू के गाड़ोता में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत करेंगे। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण करेंगे। एसडीआरएफ कैंपस गाड़ोता में होगा वृक्षारोपण। दूदू से सपोटरा के मीन धाम जाएंगे सीएम। करौली के सपोटरा में भी सीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। मीन धाम में सीएम भजनलाल करेंगे वृक्षारोपण। शाम 4:40 पर जयपुर के लिए वापस रवानगी उनकी रहने वाली है। तो सीएम का आज दूदू और सपोटरा का दौरा रहने वाला है, जहां पर गाड़ोता में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव में शिरकत करेंगे। हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में जो है शामिल रहने वाले हैं सीएम भजनलाल। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से आपको देंगे, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि हादसा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ फोरलेन हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही सबकी जान चली गई। एक 3 साल की बच्ची छिटक कर दूर जा गिरी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मंगलवार देर रात भावलिया पुलिया के पास हुआ है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हैं। एक बाइक पर 6 लोग सवार थे। निम्बाहेड़ा सदर थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मंगलवार रात करीब 10 बजे मिली थी। बताया गया है कि शहर से 7 किलोमीटर दूर भावलिया गांव की पुलिया के पास किसी भारी वाहन ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर पानी में फंसे एक ही परिवार के 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। परिवार अपने खेत में फंस गया था। पुलिस एनडीआरएफ की टीमों ने सभी को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो पूरे परिवार को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान अब फिलहाल सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। अपने खेत में फंस गया था ये पूरा परिवार, और जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार वहां पर मौजूद रही। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल दिया है। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने रक्षा बेड़े को और मजबूती देने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में आने वाले इस क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी क्या है, देखिए इंडिया की सक्सेस स्टोरी में। क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय वायुसेना, दुश्मन के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी।
वायुसेना को जल्द मिलेंगी 200 स्वदेशी मिसाइल। ये नए भारत की नई वायुसेना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिन ब दिन खुद को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में MK-1 मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के रक्षा बेड़े में 200 अस्त्र मिसाइलें शामिल हो जाएंगी। ये मिसाइल हवा से ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में DRDO की बड़ी भूमिका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना को 2022 से 2023 में मंजूरी दी थी। सभी परीक्षण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अब इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के Sukhoi-30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है। ऐसी 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में बन रहे फर्जी आधार कार्ड की जांच CBI ने शुरू कर दी है। CBI ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले को राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। फर्जी आधार कार्ड मामले में CBI जांच शुरू। 25,000 में फर्जी आधार कार्ड बनने का खुलासा। बांग्लादेशी लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। न्यूज 18 राजस्थान ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए दिखाया था कि कैसे सांचौर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटी सीमाओं पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जिनमें छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और रेटिना को स्कैन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में CBI ने अब जांच तेज कर दी है। राजस्थान में कथित तौर पर 25,000 रुपए में जाली दस्तावेजों और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह के 3 लोगों के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस रैकेट की शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए स्कूली बच्चों की उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन के साथ साथ पैर की उंगलियों के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। विभाग ने 30 जुलाई को CBI को भेज दिया था। उसके बाद CBI ने डुमरी निवासी गणपत सिंह जाट, तोगा राम जाट और कन्हैया लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये तीनों कथित तौर पर उनकी ई मित्र ID और आधार कार्ड से आधार कार्ड बना रहे थे। फर्जी आधार कार्ड मामले में सरकार अभी सख्त नजर आ रही है। मामला विधानसभा में उठने के बाद सरकार ने भी पिछले 1 साल में बने फर्जी आधार कार्ड की जांच करवाने का फैसला लिया है। सभी जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दे रखे हैं। फर्जी आधार कार्ड का मामला इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं। शक है कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें देश देश के दुश्मनों तक ना फैली हो। फर्जी आधार कार्ड मामले में CBI ने अब एंट्री कर दी है और CBI की एंट्री के बाद में 3 आरोपियों को नामजद करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि हालांकि 3 आरोपी अभी भी जो है फरार हैं और मौके पर जो है ये मित्र को सीज कर दिया गया है। वहीं CBI ने जो है पिछले 1 साल में कितने आधार कार्ड बनाए उसको लेकर जो है जांच कमेटी बनाई गई है और इसको जो है अब जितने आधार कार्ड बने उनका जो है भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। हालांकि पूरा विषय जांच का है, जांच के बाद ही इसका जो खुलासा हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कमेटी के कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। RC एडहॉक कमेटी की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट में खेल और खिलाड़ियों के नाम पर भारी अनियमितताएं बरतने से पर्दा उठ रहा है और अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यकाल में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किया है।
आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबद्ध एम्पायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक तरफ खेल से जुड़े खिलाड़ी, एम्पायर सहित पूरा स्टाफ एक एक रुपए को तरसता रहा, वहीं तत्कालीन कमेटी ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को कर दिया। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आर्थिक, वित्तीय और भ्रष्टाचार के कारनामों की पूरी फहरिस्त तैयार करवा ली है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को सौंपेगी। कई मामलों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है, हमने भी सीए से जांच करवाई है। कई चीजें ऐसी है जैसे जीएसटी के अंदर जो उस फर्म को काम दिया गया है उसके वो काम मेंशन ही नहीं है, कई फर्मों को एक्सपीरियंस भी नहीं है, कई फर्में ऐसी है जो काम कुछ करती है उनको काम कुछ दे दिया, इसलिए काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इरेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई, जांच रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट खेल को बेहतर बनाने के नाम पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू से ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया। चौंप स्टेडियम के निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को सौंपा गया जिसके पास भवन निर्माण का कोई अनुभव ही नहीं। सड़क निर्माण करने वाली छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को पूरे स्टेडियम की निर्माण की जिम्मेदारी नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी गई। स्टेडियम निर्माण के टेंडर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा और जो काम कंपनी को 300 करोड़ रुपए के टेंडर में आवंटित किया गया उसी कंपनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए उसी स्टेडियम के निर्माण काम की लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। जांच रिपोर्ट में क्रिकेट मैचों के आयोजन में भी भारी अनियमितताएं सामने आई है। वनडे इंटरनेशनल, इंडियन प्रीमियर लीग और राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजनों में भी बड़ी धांधली की गई है। इन मैचों के लिए तत्कालीन आरसीए कमेटी ने मैचों से संबंधित इवेंट के टेंडर जिन कंपनियों को सौंपे थे उन कंपनियों ने फर्जी सिस्टर कंसर्न्स कंपनियों के जरिए काम करवाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में हुई इस धांधली में मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बाउंसर्स, स्टेडियम की सजावट, स्टेडियम का रखरखाव, टेंट डेकोरेशन, हाउस कीपिंग के साथ साथ मैचों में मनोरंजन के लिए नाचने वाली चीयर गर्ल्स के कामकाज में भ्रष्टाचार किया गया है। हमें राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को जिंदा रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आरसीए की मान्यता खत्म हो जाए। एफआईआर सबसे सरल और सबसे साफ तरीका है। जो लोग देखिए फाइनेंशियल जो भी करप्शन हुआ है किया तो आदमियों नहीं है ना, और ये कोई मानवीय भूल में शामिल नहीं होगा। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट एकेडमी की एडहॉक कमेटी की ओर से पिछली कमेटी के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ एडहॉक कमेटी मुकदमा दर्ज करवाएगी। वहीं बीसीसीआई की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण की राशि में हुई लूट खसोट की जांच के लिए केंद्र सरकार की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को भी जांच करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक अजीब तुलना कर दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो सकता है, भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे। तो किताब के विमोचन समारोह में बोले सलमान खुर्शीद, बांग्लादेश हिंसा पर उनका अजीबोगरीब बयान सामने आया है और अब इस बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेश जैसा हो सकता है, सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया है। और सलमान खुर्शीद के इस बयान की अब आलोचना चौतरफा हो रही है क्योंकि अपने आप में बड़ा बयान है।
उनकी तरफ से कहा गया है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है भारत में भी ऐसा हो सकता है। और सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही कांग्रेस। तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? प्रदेश भर में इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से भले ही मेघराज झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन इस झमाझम बारिश के दौर में भी पेयजल संकट के कारण जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की नींद हराम हो रही है। बीसलपुर बांध के हालात ये हैं कि अगर जल्द ही बांध का जलस्तर नहीं सुधरा तो गर्मियों से पहले ही चार जिलों की आबादी एक एक बूंद को तरस सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। लेकिन बीसलपुर बांध की प्यास नहीं बुझ पाई है। टोंक और अजमेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सभी बांध, तालाब, ताल, नदी नाले सब उफान पर हैं। लेकिन स्थानीय बारिश का पानी बीसलपुर की प्यास बुझाने में नाकाम रहा। दरअसल बीसलपुर बांध में पानी का भराव इसके कैचमेंट एरिया के जरिए ही होता है। बांध का कैचमेंट एरिया का क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, केकड़ी जिलों के 27,836 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब इन सभी जिलों में अच्छी बारिश होती है तो कैचमेंट एरिया के माध्यम से बांध में पानी पहुंचता है। कैचमेंट एरिया के बड़े हिस्से को अभी अच्छे मॉनसून का इंतजार है। बीसलपुर बांध में जलभराव के लिए भीलवाड़ा के मेनाल से निकलने वाली मेनाली नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी, राजसमंद से निकलने वाली बनास नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की कोठारी नदी, अजमेर जिले की खारी और डाई नदियों में जबरदस्त उफान आने पर ही बीसलपुर बांध में पानी पहुंचता है। जैसा सभी को विदित है कि इस समय बीसलपुर में जो त्रिवेणी नदी से जहाँ से पानी आता है, तो नदी से पानी नहीं मिल पा रहा है बीसलपुर को, तो करीब 310 मीटर का उसका लेवल चल रहा है। और अगर वहाँ बरसात नहीं होती है या कम होती है तो इस पानी को हम नवंबर तक ही सप्लाई कर पाएंगे। तो यदि बरसात होती है, पानी आता है जब, तो आगे उस हिसाब से प्लान करेंगे, नहीं तो फिर इस पर ये उच्च स्तर पर निर्णय करवाएंगे कि इसमें पानी की कटौती की जाए या अल्टरनेट दे दिया जाए, जो भी है इस पर निर्णय करवाएंगे। बीसलपुर बांध की पानी की आवक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 85% पानी की आवक अगस्त और सितंबर महीने में होती रही है। इसके लिए पहले कैचमेंट एरिया पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इस बार बांध का कैचमेंट एरिया ही रिचार्ज नहीं हो पाया। ऐसे में बांध में पानी पहुंचने की उम्मीद भगवान भरोसे ही रह गई। जलदाय विभाग के इंजीनियर इसलिए परेशान है क्योंकि बीसलपुर बांध में मौजूदा जल स्तर के हिसाब से दिसंबर 2024 तक ही पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। बीसलपुर बांध में जलभराव की कुल क्षमता 38.5 टीएमसी है और अब बांध में करीब 13 टीएमसी पानी ही बचा है। एनजीटी के आदेशानुसार बांध में करीब 8 टीएमसी पानी जलीय जंतु और पर्यावरण की दृष्टि से बचाना अनिवार्य है, यानी करीब 5 से 6 टीएमसी पानी से ही राजधानी जयपुर, जयपुर जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी, अजमेर जिले, केकड़ी, दूधू, टोंक सहित दौसा जिले की आबादी को पेयजल सप्लाई करनी है। बांध में मौजूदा जल स्तर से सिर्फ दिसंबर तक की पानी सप्लाई किया जा सकता है। इन सभी जिलों को पेयजल आपूर्ति दिसंबर तक करने के लिए बांध से पानी सप्लाई की कटौती शुरू कर दी गई है। बांध से भीषण गर्मियों में जहां 560 एमएलडी पानी प्रतिदिन जयपुर के लिए जा रहा था, उसमें अब कटौती करते हुए 500 एमएलडी तक पहुंचा दिया गया है। 210.70 तो लेवल अभी कम है काफी, और यदि यही लेवल आ जाता है तो फिर तो काफी कुछ रिडक्शंस करने होंगे, कटौती करनी होगी पानी, जयपुर में, अजमेर में, सभी जिले लेवल्स पर कटौती करनी होगी। उसके लिए मीटिंग होनी है। बेसिकली दो फ्रंट पे प्रयास होंगे। पहला तो है कि बीसलपुर से हमारे को जितना पानी ले रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसको हमें कम करना होगा।
और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करके जो एग्जिस्टिंग है उनसे तो प्रोडक्शन लेना ही है, हो सकता है कुछ और ड्रिलिंग वगैरह भी करके पानी को ऑगमेंट करना पड़े। बीसलपुर बांध पर राजधानी सहित सभी जिलों की 70% से ज्यादा आबादी निर्भर है और उतना पानी ना तो कंटिंजेंसी प्लान में लाया जा सकता है और ना ही बीसलपुर बांध के मौजूदा जल स्तर से लाया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने गर्मियों से पहले ही पानी का संकट भरी सर्दियों में ही पसीने ला सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और डीएसटी नीमका थाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई खेतड़ी नगर थाना इलाके में की है। एएसआई विजय भटिया के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर देवता धाणी बाढ़ान के रास्ते पर पहुंचे, जहां मुर्गी फार्म के सामने एक दुकान में शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने वहां मौजूद देवेंद्र नाम के शख्स से जब लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो वहां रखी सभी शराब अवैध निकली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुकान में रखी 26 पेटी देशी शराब, 7 पेटी बियर और 17 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रोड पर एक व्यक्ति दुकान के अंदर अंग्रेजी शराब, बियर व देशी शराब अवैध रूप से बेच रहा है। इस पर मन एसआई विजय सिंह मैं जाब्ता ने मौके पर पहुंच कर जाँच की तो वहां पर दुकान के अंदर मिले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम देवेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति दानक निवासी मोहनपुर हरियाणा होना बताया, जिसने दुकान के अंदर शराब अंग्रेजी शराब के बोतल अधे पवे सजा कर तथा नीचे कार्टून बियर के और देसी शराब के रखकर बेच रहा था, बेचने के लिए रखी हुई थी। व्यक्ति को लाइसेंस पूछा तो कहा लाइसेंस नहीं है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए 100 गांव 100 शहर। नमस्कार।